students and welcome to DSS online classes. I am your English teacher Nazneen Naz. Students, today is your new chapter 3 and chapter name is questions. Okay students, इसमें हम questions करना सीखेंगे और जानेंगे. Now look at the board. Some sentences are used to ask questions. Means कुछ sentences, कुछ lines होती हैं जो आपसे question करती हैं, आपसे पूछती हैं, सवाल करती हैं. उनको हम लोग क्वेश्चंस बोलते हैं. नाउ सेकंड टॉपिक, ऑल क्वेश्चंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. मीन जो भी क्वेश्चन जहां पे एंड होता है उस लाइन का, वहां पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि हम उससे पूछ रहे हैं. मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो द सेंटेंस में बताया था, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ओके, नाउ लुक एट द बोर्ड. फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज योर नेम. अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, वॉट आया है. वॉट मीन्स आपसे आज पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो हम यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क क्योंकि हम पूछ रहे हैं. और सेकंड लाइन क्या कह रहा है, सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंड जहां पे होगा वहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ओके स्टूडेंट, मैंने बताया आपको जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे वाई, वेयर एंड एक्सेट्रा और भी चीजें आती हैं, जैसे वो आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो वहां पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ओके, so I hope so all of you understand this line and this sentence. Now let's start the chapter. Okay students, now your exercise question is A and question, read this sentence aloud. Means आपको ये sentence जो है तेज बोल के पढ़ना है. Aloud means तेज. And your first line is, what are you doing? तुम क्या कर रहे हो? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. जैसे मैंने अभी प्रीवियस आपको अभी बताया है ना सेंटेंस, आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है. सेकंड, डू यू लाइक इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश पसंद, क्या तुम्हें इंग्लिश पसंद है. थर्ड, कैन यू ड्राइव अ कार, क्या आप कार चला सकते हैं. ओके, अगर हमको इसका आंसर लिखना रहता तो मैं जरूर बताती, लेकिन ये आपका सिर्फ क्वेश्चन है और आपको इसको सिर्फ बोलना है. ओके, आपको आपके ये प्रैक्टिस के लिए है. अगर हमको आंसर करना रहता तो हम जरूर इसको लिखते हैं. व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कुछ भी करते हैं. आई एम प्लेइंग, आई एम वॉचिंग मूवी, आई एम रीडिंग, ऐसा आंसर होता. डू यू लाइक इंग्लिश, यस आई लाइक इंग्लिश. You can drive a car. Yes, I can drive a car. हम ये आंसर लिखते हैं, बट यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है. आपको बस इसको समझने के लिए, आपके बस समझने के लिए इसको यहाँ पे बताया गया है. Now we are going to your next question. Okay, students. Now your second question B. Put a full stop or a question mark at the end of this sentence. Means ये एक question कह रहा है कि आपको इस सेंटेंस में या तो क्वेश्चन मार्क लगाना है या तो फुल स्टॉप लगाना है. आप इस सेंटेंस को अच्छे से देखिए स्टूडेंट्स और समझिए कहां पे आपको फुल स्टॉप लगाना है और कहां पे क्वेश्चन मार्क. नाउ योर फर्स्ट लाइन इज, थैंक यू सो मच मैडम. यहाँ बच्चा क्या कह रहा है, थैंक यू सो मच मैडम. वो मैम को थैंक यू बोल रहा है, तो ये बच्चा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है या फिर वो बता रहा है कि वो मैम को थैंक यू बोल रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क या फिर फुल स्टॉप. यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप, क्योंकि बच्चे ने मैम को थैंक यू कहा है ना कि उनसे पूछा है. नाउ योर सेकंड लाइन, दिस हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल. यह घर बहुत सुंदर है. तो यहाँ तो बच्चा पूछ नहीं रहा है, यहाँ तो खुद एक्सप्रेस कर रहा है. तो उसका सेंस जो कह रहा है कि ये घर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है. तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे भी अगेन फुल स्टॉप. Now your third line is, what do you do on Sunday? आप रविवार को क्या करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसमें यहाँ पे what आ गया है, इसने पूछा है तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे हम question mark लगाएंगे. मैंने अभी आपको previous समझाया ना स्टार्टिंग में वीडियो के,
कि जब हम व्हाट वेयर व्हाई लिखेंगे तो वहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. नाउ योर फोर लाइन इज कैन वी लिव विदाउट वाटर. क्या हम पानी के बिना रह सकते हैं? नो इट्स रॉन्ग. पानी तो इंपॉर्टेंट है, पानी तो चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. मतलब हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं. होप सो चिल्ड्रन आपको ये अच्छे से क्वेश्चन मार्क एंड फुल स्टॉप समझ में आया हो. बट लुक एट द बोर्ड, आई हैव राइट ओनली फोर लाइन ऑन द ब्लैक बोर्ड. बुक्स में और भी लाइन्स है जो आप अपने कॉपी में भी लिखेंगे और बुक्स में भी उसको फिल करेंगे. सो चिल्ड्रन आई होप सो आपको ये क्वेश्चन मार्क अच्छे से समझ में आया हो एंड फुल स्टॉप. सो चिल्ड्रन वी विल मीट अ नेक्स्ट वीडियो. चिल्ड्रन इफ यू एनी डाउट्स एंड क्यूरीज यू कैन आस्क मी. थैंक यू फॉर वॉचिंग निकेश.